हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 42-45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। ये लीडिंग करंट अफेयर आपके इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में से होते हैं। अगर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सब अखबार नहीं पढ़ पाते हैं गाइस, तो आप लोगों के लिए एक सिंपल एक सेशन है 42-45 मिनट का, जो कि मैं डेली आप लोगों के लिए कवर करता हूँ। जनसत्ता न्यूज़पेपर, पीआईबी, पीआरएस, हर चीज़ें जो कि हम लोग कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे और रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि आपकी नॉलेज जो है वो डे बाई डे इंक्रीज होती रहे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज जो अपनी डेट है वो है 8th of May। तो 8th of May का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये सारे के सारे आपके एग्जाम है जो कि हम लोग कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी एग्जाम के में से कोई ना कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी नॉलेज के लिए सेशन को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कल के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट है जो कि बताऊंगा, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था, और आज के कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस फॉर द डे की। तो सबसे पहला सवाल जो कि मैंने कल पूछा था, वो मैंने सोशल सिक्योरिटी कोड को लेकर पूछा था। देखो, वैसे तो कह रहे सोशल सिक्योरिटी कोड 2008 में भी आया था, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ है वो 2019 में हुआ है ना। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 5-point एजेंडा रिकवरी करने को लेकर एशिया पैसिफिक रीजन में किसके द्वारा बताया गया है? तो ये किसके द्वारा बताया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा दोस्तों। ये 5-point एजेंडा है जो कि बताया गया है, सकवा जी इसके हेड है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मराठा रिजर्वेशन को स्टक डाउन कर दिया, मना कर दिया देने के लिए, क्योंकि 50% दोस्तों लिमिट से इंदिरा शौनी जजमेंट से आगे जा रहा था, जो कि सोशल बैकग्राउंड पे नहीं दिया जा सकता है। ओल्डेस्ट ह्यूमन ब्यूरल दोस्तों कौन से कंट्री में पाए गए? तो ये अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर केन्या के पास में दोस्तों पाए गए थे। तो आपका यहाँ पे बी सही आंसर होगा। आरबीआई ने दोस्तों सेकंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम है जो कि किया है, तो कितना वैल्यू था? 35,000 करोड़ इसका है, 35,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू है जो कि रखा गया था। इसके अलावा गाइज, अगर आपको इंडिया में 30+ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में से कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस में आपसे रेफरल कोड पूछता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? BHU10 या फिर BONUS10, इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप इंडिया के सभी एग्जाम्स की तैयारी जो है कर सकते हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC, PCS, डिफेंस का हो, कोई गेट का एग्जाम हो, कोई कैट का हो, कोई आपका IIT का हो, नीट का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे दोस्तों अगर आप 1 साल का SSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और यहाँ पे मैं फाउंडेशन बैच में कंप्लीट GK है जो कि करवा रहा हूँ। इस GK में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे, जो कि यहाँ पे गौरव के द्वारा भेजा गया है। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट, एक सोशल डायलेमा मूवी के अंदर दोस्तों ये डायलॉग है जो कि बोला गया था, और ये काफी हद तक दोस्तों सही बात है। मैं हमेशा आपको इस बात का जिक्र करता हूं कि सोशल मीडिया है, आपके जितने भी दोस्तों यूट्यूब कॉन्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों अपना टाइम है जो कि व्यतीत किया करो, या फिर किसी के भलाई के लिए टाइम है जो कि व्यतीत किया करो। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का अच्छा कर सकते हो तो डेफिनेटली यूज करिए। अगर आपको कोई नॉलेज मिल रहा है तो यूज करिए। अगर उसके अलावा जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं, देन दोस्तों आप वहां पे एक तरीके से प्रोडक्ट है जो कि खुद बने हुए हैं। आज हम यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, है ना, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट का पैसा यूट्यूब के पास जा रहा है, और जो कंपनी बेच रही है वो अपने प्रोडक्ट बेच रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हो, देन आप एक प्रोडक्ट है जो कि बन जाते हो, और इस प्रोडक्ट दोस्तों खुद को बनने से रोकने के लिए सिंपल तरीका यही है कि जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको कम से कम यूज करो, इतना यूज करो जिससे आपको नॉलेज मिल सके या फिर आप किसी का अच्छा कर सको, समझ गए?
अगर आपको सोशल कॉज के लिए कोई काम करना है तो डेफिनेटली जुड़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अगर आप दोनों लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है और बाकी चीजें देख रहे हो, कॉमेडी ये सब वो, तो आई डोंट थिंक कि ये एक टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लोगों के बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए और आपको क्या बनना है उसके बारे में सोचिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइज, चलिए उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। और ये देख लेना, नहीं देखी तो मैंने पहले भी बोला था, सोशल डिलेमा करके एक नेटफ्लिक्स या अमेजन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे बात करते हैं द हिंदू के। द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को फटकार लगाई है दिल्ली के कोटा को लेकर। किस चीज के कोटा की हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अभी गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया था, हर राज्य का एक कोटा बनाया था कि किस राज्य को कितना ऑक्सीजन की लिमिट है जो कि दी जाएगी डेली। तो यहाँ पे दोस्तों बोला गया था कि 700 एमटी मैट्रिक टन हर दिन जो है वो दिल्ली को मिलनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश को उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मिल रही है और दिल्ली को उसके रिक्वायरमेंट से कम मिल रही है और दिल्ली के अंदर मौतें भी बहुत हो रही है। तो यहाँ पे जो तुषार मेहता जी है उनका तो काम ही यही है, आपको मालूम है बेचारे जो भी सरकारी वकील होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बेचारे जो है वो बेइज्जती कराने आते हैं। तो यहाँ पे उनको वापस से दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। उन्होंने बोला कि हमने 86 मैट्रिक टन सुबह 9 बजे तक दे दिया, 16 और दे देंगे, 10 और दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें मतलब है, वी मीन बिजनेस, यानी कि हमें पूरे 700 एमटी से मतलब है, तुम लोग 5, 2, 4 करके क्या दे रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर किया है सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन देने को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टालिन दोस्तों तमिलनाडु सरकार को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड वेव जो है वो डिक्लाइन हो रही है और थर्ड वेव दोस्तों उसको बचाना बहुत जरूरी है, ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है। जो हमारे विजय राघवन जी है जो कि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये बात है जो कि बोली है कि हमें थर्ड वेव से बचने के लिए बहुत मजबूती से जो है वो सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सेकेंड वेव तो डिक्लाइन हो जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सएप ने दोस्तों 15 मई का डेडलाइन दिया था कि 15 मई के बाद में अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपके व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में आपको मालूम है कितना बैकलैश हुआ था, है ना, व्हाट्सएप की जो है वो रेल बना दी गई थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में। ओके, और उसके बाद में व्हाट्सएप बेचारा हाथ जोड़ता फिर रहा था हर जगह पे कि भाई ये मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो अभी जो है इसने बोल दिया है कि हम लोग जो है 15 मई को भी डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हॉस्पिटल आपको मालूम है बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, उसी चीज को लेकर बताया गया है, हर एक हॉस्पिटल वाले धड़ल्ले से जो है वो बिल बना रहे हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम लोग लॉकडाउन के फेवर में नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हालात तो 5 साल पहले भी दोस्तों अच्छे नहीं थे और आज तो वैसे ही बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है। हम लोग जो बात करेंगे वो तमिलनाडु सरकार के बारे में बात करेंगे। बहुत कम लोगों को तमिलनाडु के बारे में पता होता है, तमिलनाडु के पार्टीज के बारे में पता होता है। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर जो रिसेंटली जो सरकार बन रही है वो डीएमके प्रेसिडेंट जो है एमके स्टालिन उनकी गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे बन रही है। बनवारीलाल पुरोहित जी है दोस्तों जो कि यहाँ पे गवर्नर है और 33 मिनिस्टर है जो कि उन्होंने यहाँ पे शपथ है जो कि ली है। आपको मालूम है शपथ दिलाने का काम किसका होता है, गवर्नर का ही होता है। ठीक है गाइस, इसके और फोर्ट सेंट जॉर्ज है चेन्नई के अंदर, है ना, तो वहां पे दोस्तों शपथ समारोह है जो कि किया गया। यहाँ पे कुछ स्कीम का अनाउंसमेंट भी इनके द्वारा किया गया है। एक तो यहाँ पे 2.07 करोड़ लोग, जो 2 करोड़ जो पुअर लोग हैं तमिलनाडु में, उनको 4,000 रुपए दोस्तों, 4,000 करोड़ लिख दिए, 4,000 रुपए दोस्तों जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में तमिलनाडु सरकार ने देने के लिए बोला है। ये लोग कौन है जो कि राइस राशन कार्ड होल्डर है, मेजरली वहां पे जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो राइस के राशन कार्ड होल्डर है वहां पे, तो उन सबको दोस्तों ये 4,000 रुपए जो कि मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसको लेकर 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का बजट है जो कि इनके द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी इनके द्वारा अनाउंस है जो कि करी गई है। ओके गाइस, तो ये अनाउंसमेंट है जो कि यहाँ पे किया गया है। अभी देखिए यहाँ पे डीएमके की बात करें तो डीएमके पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो भी स्टालिन है और अभी सीएम भी यहाँ पे यही बने और फाउंडर्स के अन्नादुराई है। देखो हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, बहुत कम लोगों को समझ में आती है बात। सबसे पहले पूरे देश में आपको मालूम है देश की आजादी के टाइम पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी है जो कि कहते हैं, जिसका आज के टाइम पे अस्तित्व बिल्कुल ना के बराबर है। तो देश की आजादी के टाइम पे एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ये हुआ करती थी। इसमें से दोस्तों एक आदमी ने निकल के जस्टिस पार्टी है जो कि बनाई थी, समझ लेना, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। जस्टिस पार्टी जो बनाई गई थी वो रामास्वामी करके एक पर्सन थे,
उनके द्वारा बनाई गई थी, समझ गए। अब रामा जस्टिस पार्टी बन गई। अब इसमें से दोस्तों एक पार्टी और निकली, उसका नाम था डीएमके, ओके। और कौन निकले उस टाइम पे, इसमें से निकले अन्नादुराई, ओके, ठीक है। अन्नादुराई इसके सबसे फेमस लीडर थे, उसके बाद में करुणानिधि इसके बहुत ही फेमस लीडर थे, और करुणानिधि के जो बेटे हैं वो स्टालिन है, जो कि अभी रिसेंटली क्या बने, सीएम बने हैं, समझ गए। अब डीएमके में से दोस्तों एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि और निकली है, किसमें से, डीएमके में से, जिसका नाम है एआईए डीएमके, ओके। ये डीएमके में से जिसने पार्टी बनाई थी उसका नाम था एमजीआर, रामाचंद्रन जी आपको मालूम है, जिसके फेमस लीडर एमजीआर रहे, और उनकी वाइफ जो थी जानकी वो भी सीएम रही एक बार, और सबसे फेमस जो रही दोस्तों वो रही जयललिता, ओके। तो ये तीन फेमस लीडर है जो कि एआईए डीएमके के रहे। अभी कुछ टाइम पहले भी सरकार एआईए डीएमके की थी यहाँ पे, जिसमें जो आपको मालूम है ना, ठीक है, पनाली स्वामी जी जो है वो वहां पे सीएम हुआ करते थे, पनीर सेल्वम इसके पार्टी के प्रेसिडेंट है अभी, ओके। तो ये आपकी तमिलनाडु का पूरा सिनेरियो है जो कि रहा है। मेजरली यहाँ पे दो ही पार्टियां सर्वाइव करती है, या तो ये वाली या ये वाली, समझ गए मेरी बात। आईएनसी का यहाँ पे, बीजेपी का यहाँ पे कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही फेमस बिदेश्वर टेम्पल है, जो कि राजाराज चोल प्रथम के द्वारा दोस्तों बनाया गया था 1003 के अंदर है, जो कि बनाया गया था, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल में आता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे शॉर्ट टेम्पल है, यहाँ पे रंगनाथा स्वामी टेम्पल है, नीलगिरी की पहाड़ियां बहुत फेमस है, ओके। और ऊटी से लेकर आपके कोयम्बतूर से ऊटी तक आपके वो भी चलती है, नीलगिरी वाली जो माउंटेन ट्रेन है वो भी चलती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं होकेनाकल फॉल भी है दोस्तों, जो कि कावेरी नदी के ऊपर है। और ये लास्ट में आपका दोस्तों तिरुवल्लुवर स्टैच्यू है ना, कन्याकुमारी के तिरुवल्लुवर दोस्तों, उन्होंने एक बहुत ही फेमस तिरुकुल्लर नाम की एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि लिखी है, जो कि एपिक बुक है, जो कि मानी जाती है साउथ इंडिया की। जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में महाभारत और रामायण है ना, उसी प्रकार से साउथ इंडिया के अंदर जो सबसे फेमस किताब है तिरुकुल्लर, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी तमिल के अंदर, ठीक है गाइज। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में आप सभी को मालूम है दोस्तों, स्टालिन बनवारीलाल पुरोहित जो अभी यहाँ पे गवर्नर है, 234 विधानसभा, 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा की सीटें हैं, चेन्नई कैपिटल, 26 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन है जो कि स्टेट का हुआ था। पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक है, 3.5 लाख पर पर्सन पर ईयर है, तमिल यहाँ पे लैंग्वेज है। इसके अलावा कबड्डी दोस्तों स्टेट का स्पोर्ट है ना, पाम ट्री, जैक फ्रूट ये सब आपको मालूम है, नीलगिरी है ना, मैम्बल है यहाँ पे, भरतनाट्यम दोस्तों यहाँ का बहुत ही फेमस डांस है, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस भी है, ठीक है गाइज। चलिए ओके, सेक्स रेशियो काफी बढ़िया है, 4 ही पुरुष ऐसे हैं जो कि विवाह नहीं कर पाएंगे, 996 गर्ल्स पर 1000 वुमेन, ओके। चलो ठीक है, लिटरेसी की बात करें तो 80% के आसपास है जो कि लिटरेट है, SDI रैंकिंग में काफी बढ़िया है। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और न्यूज है ये वाली, कल देखिए दोस्तों एक दिन के अंदर 4000 मौतें हुई, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 4000 मृत्यु हमारे देश में कोविड की वजह से एक दिन में देखने को मिली है, ओके, पहली बार, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखो अभी कोविन पोर्टल के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वो टाइम के ऊपर अपना वैक्सीनेशन करवाने गए नहीं। अगर जो गया नहीं ना, उसको उस बंदे ने होता अभी क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर बताता हूं, ठीक है। जब आप कोविन के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लिया, मान लो आपने 10 तारीख का कर लिया, अब 10 तारीख पे आप जाओगे वहां पे वैक्सीन लगाओगे, तो वहां पे एक बंदा होता है, वो आपके वहां पे इंफॉर्मेशन डालता है कोविड के ऊपर कि भाई हाँ इस बंदे को लग चुकी है वैक्सीन आज के दिन के ऊपर। तो अभी क्या हो रहा था कि जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वो टाइम पे गए नहीं, तो जो बंदा बैठा हुआ था ना, उसने उनका ऑलरेडी जो है वो वैक्सीनेट उनको कर दिया, समझ गए मेरी बात। तो इससे काफी ज्यादा दोस्तों ह्यूमन एरर है जो कि आ गई थी, जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है उसने जो है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई ना, उसका भी दोस्तों उसमें एंट्री जो है वो फीड कर दी, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि वैक्सीनेटर के द्वारा ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए कोविन पोर्टल के ऊपर एक सिक्योरिटी कोड है दोस्तों, जो कि लगाया जा रहा है, 4 डिजिट का होगा।
ये सिक्योरिटी कोड सिर्फ आप ही को पता होगा। जब आप वैक्सीनेटर के पास में जाओगे और उसको ये कोड बताओगे, तभी वो इसको सबमिट है जो कि आपके फॉर्म को कर पाएगा। समझ गए? अभी क्या हो रहा था कि वैक्सीनेटर तो गए नहीं, वैक्सीनेटर के पास में आप तो गए नहीं और वैक्सीनेटर ने भर के भेज दिया, हाँ भाई इसके लग गए वैक्सीन। ओके, तो अभी क्या होगा कि ये सिक्योरिटी कोड आप ही के पास में होगा, तो आपको जाके वैक्सीनेटर को बताना पड़ेगा, तब जाके जो है ये सबमिट होएगा आपका। समझ गए मेरी बात? तो ये वाली बात है, तो अभी रिसेंटली हुआ ये, ताकि एंट्री के जो एरर्स है वो कम किए जा सके। समझ गए? छोटी सी बात है लेकिन मैंने कवर कर दिए नॉलेज के पॉइंट से। चलिए पेज नंबर 14 की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे SBI के द्वारा इन्फॉर्मेशन आई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी रिसेंटली दोस्तों पेंडेमिक का जो सेकेंड वेव है ना, उसमें बताया गया कि इस बार सिटी नहीं, इस बार गांव के अंदर हालत जो है वो और भी ज्यादा खराब है। तो SBI के जो रिसर्चर है उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर बहुत ज्यादा सवियर हिट हुई है, क्योंकि इस बार जो है कोविड का जो इन्फेक्शन है वो काफी गांव तक भी दोस्तों रूरल एरिया में जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि 50% केसेस जो है वो गांव से आ रहे हैं। समझ गए? तो इस बार शहरों से ज्यादा गांव के अंदर आ रहे हैं। बस अच्छी बात यह कि गांव के अंदर कंडीशन ज्यादा टफ नहीं हो रही है, जैसे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट ऐसा सुनने में कम आ रहा है, गांव में रिक्वायरमेंट है। लेकिन यस, हर घर के अंदर लोग बीमार है, वो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 17 लाख पर डे है ना, जो कि टेस्टिंग अभी कम हो गई थी 28 लाख से। तो टेस्टिंग कम होती है तो आपको मालूम है केसेस भी कम आते हैं। अगर टेस्टिंग बढ़ा दोगे, एक दिन की 1 करोड़ अगर टेस्टिंग करोगे तो केसेस सीधे एक दिन में आपको 5 लाख आ जाए, 10 लाख केस आ जाएंगे। तो वो यहाँ पे बताया गया कि टेस्टिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारे लिए जो देखो इस न्यूज को कवर करने का मेरा प्राइम मोटिव ये था कि आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए SBI के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है ना, उनका नाम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। समझ गए? प्राइम मोटिव मेरा ये था, बाकी सब तो आपको मालूम ही है गांव में है कि नहीं है। इनका जो नाम है वो है सौम्या कांति घोष, ये नाम ध्यान रखिएगा आप, तो सौम्या कांति घोष, ये आपके बैंक के एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। समझ गए? ये देखिए यहाँ पे SBI ग्रुप की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सौम्या कांति घोष। ठीक है गाइस, इतनी बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी सब तो ठीक है जो भी है। चलिए आगे बात करते हैं SBI के बारे में। आपको मालूम है पहले बैंक ऑफ कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास तीनों ने मिलकर दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, और 1921 के अंदर, और फिर बाद में ये बना SBI 1955 के अंदर। हेडक्वार्टर आपके मुंबई के अंदर है, और अभी जो हेड है वो कौन है, दिनेश कुमार, जो कि चेयरपर्सन है। ठीक है गाइज, ओके, देश का सबसे बड़ा बैंक है जो कि माना जाता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, जो कि चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स में बात करें दोस्तों, तो इस बार के जो अपने T20 प्लेयर्स हैं उनको ICC का जो टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, और साथ में इंग्लैंड के अंदर भी सीरीज होने वाली है, उसके लिए नहीं लिया गया जडेजा वियारिश, ओके, इनको वापस लेकर जो हार्दिक पांड्या और इन सबको जो है ना, इनको घर बिठाया गया है। अभी आप देख सकते हैं वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है ना, वो 18 से लेकर 22 जून को होने वाला है साउथहैम्पटन के अंदर, लॉर्ड्स के अंदर नहीं हो रहा। पहले लॉर्ड्स में होने वाला था लेकिन कैंसिल कर दिया गया कोविड केसेस की वजह से, अभी साउथहैम्पटन में होगा। उसके बाद ही इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड से भी टेस्ट का टूर्नामेंट है जो कि स्टार्ट होने वाला है। समझ गए? हमारे लिए वैसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली और ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वर्ल्ड के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के अवार्ड है जो कि दिए गए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसके अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये एनुअल अवार्ड है जो कि पूरी दुनिया में इंडिविजुअल या टीम को दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस के लिए दिए जाते हैं, जो कि एक साल के अंदर कोई बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है जो कि करता है। तो इसकी शुरुआत 1999 के अंदर हुई थी, लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन है उनके द्वारा दोस्तों, और जिसके अंदर डैमलर, रिचमन डैमलर दोस्तों कौन है, डैमलर जो है वो आपके मर्सिडीज के ओनर है ना, तो ये पेट्रॉन्स है जिन्होंने सपोर्ट किया है। देखिए मर्सिडीज बैंक ने सपोर्ट किया है, ओके, IWC ने, मित्सुबिशी ने, इन सब ने जो है इसके अंदर पैसा लगाया और इन्होंने इस अवार्ड की शुरुआत है जो कि करी थी। ठीक है गाइज, और 160 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स दोस्तों पूरी दुनिया में 40 कंट्री के अंदर ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी चलाते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर मैं बात करें तो ग्रीक वर्ड है ये, ओके, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है लॉरेल, उसका मतलब होता है विक्ट्री।
एथलेटिक्स के अंदर विक्ट्री को बोलते ना, तो ये ग्रीक वर्ड है, तो वहीं से दोस्तों ये नाम है जो कि लिया गया है। पहली बार सेरेमनी 2000 के अंदर हुई थी मोंटे कार्लो में, जहां पे नेल्सन मंडेला ने भी दोस्तों स्पीच जो कि दी थी। 8 कैटेगरीज के अंदर स्टार्ट जो कि अवार्ड करे गए थे, अभी नियर बाय अभी भी 8 कैटेगरीज में मिलता है वैसे, और इसके अंदर एक स्टैट्यूट मिलता है, एक कार्टनियर मिलता है। एनुअल सेरेमनी जो है दुनिया के कई अलग अलग लोकेशन में दोस्तों करवाई जाती है, ठीक है गाइज, और इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है दुनिया के 160 कंट्रीज के अंदर इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस बार 2021 की बात करूं तो यहाँ पे सेविला आप देख सकते हैं, ये स्पेन की एक सिटी है, वहां पे दोस्तों इस कंट्री इसको सेरेमनी को करवाया गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अवार्ड है, समझ गए। सबसे ज्यादा बार अवार्ड किसको मिला है, रॉजर फेडरर को मिला है 6 बार। अब चलते हैं दोस्तों प्रेजेंट के ऊपर, प्रेजेंट में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार 4th टाइम दोस्तों यह अवार्ड जो है राफेल नडाल को मिला है, क्योंकि इन्होंने 20 मेजर ग्रैंड स्लैम टेनिस के अंदर रॉजर फेडरर के इक्वल है जो कि कर लिए हैं, समझ गए मेरी बात, रॉजर फेडरर के बराबर है जो कि 20 मेजर, मेजर का मतलब समझते हो ना, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, तो ये मिलाकर 20 कर लिए, रॉजर फेडरर के बराबर पहुंच गए, वर्ल्ड की सेकंड रैंक के ऊपर है अभी नडाल। वैसे ही महिलाओं के अंदर दोस्तों ओसाका जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओसाका ने यूएस ओपन जीता दूसरी बार और 4 मेजर है जो कि इन्होंने जीत लिए, और सेकंड टाइम है जो कि इनको ये अवार्ड मिल रहा है, नडाल को चौथी बार मिल रहा है। और इस बार ओसाका ने दोस्तों एक काफी अच्छा एक्टिविज्म भी दिखाया था, जब ये यूएस ओपन के अंदर खेलने आई थी तो उन्होंने एक मास्क पहना था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लैक लाइफ मैटर वाला, आपको मालूम है इंसिडेंट, तो उस टाइम पे इन्होंने जो है आवाज भी उठाई थी, एंटी रेसिज्म स्टैंड से जो कि इन्होंने लिया था, और जिस तरीके से पुलिस के क्लैशेस हो रहे थे, विक्टिम हो रहे थे कई सारे रेशियल इनजस्टिस के, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी, ओके, तो दुनिया में काफी बड़ा मैसेज आता है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कुछ गलत के खिलाफ सही स्टैंड लेते हैं, जो माइनॉरिटी सेक्टर है उनके लिए अगर कोई खड़ा होता है, है ना, या फिर कोई जिनके साथ में इनजस्टिस हो रहा है उनके लिए कोई अगर बड़ा सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार या फिर कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून या फिर कोई कोई स्पोर्ट्समैन जब खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा सहारा है जो कि उस मूवमेंट को मिलता है, समझ गए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जितनी आवाज़ बड़ी आवाज़ जितनी सेलिब्रिटीज़ की होती है उससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कि रीच करती है, और हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत उन्हीं को पड़ती है जो कि बेचारे जिनके पास में कुछ ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो गए या फिर जो महिलाएँ हो गई उनके राइट्स को लेकर हो गया, तो जो बहुत जगह पे ऐसे ज़रूरत पड़ती है, ओके, जो बहुत ही पावर में उनको तो आपकी ज़रूरत है नहीं, जो ऑब्वियसली जो पावर में नहीं है उन्हीं को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनकी आवाज़ जो कि बनके इन्होंने एक एक्टिविज्म है जो कि यहाँ पे किया था, ठीक है गाइज। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे अवार्ड लिख दिए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो राफेल नडाल, स्पोर्ट्स वुमेन जो बनी है वो ओसाका बनी है, टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो ब्रायन म्यूनिच दोस्तों फुटबॉल की टीम है बहुत ज़बरदस्त, इसको मिला है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक है, कमबैक ऑफ द ईयर दोस्तों मार्क पैरट, स्पोर्ट्स फॉर गुड, ओके, किक परफॉर्मेंस बाय किक फेयर करके उनको मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जेन को, एथलेटिक एडवोकेट के लिए लुइस हैमिल्टन दोस्तों, और स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन के लिए मोहम्मद सलाह, ये भी फुटबॉलर है, और स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर के लिए क्रिस नेकिक। तो ये सारे अवार्ड है दोस्तों जो कि दिए गए हैं, आपके पेपर में जो आते हैं वो मेजरली ऊपर वाले ज्यादा आते हैं, बाकी वाले जो है वो कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है गाइस, चलिए ओके। मेजरली क्या होता है कि जो ये अवार्ड्स मिलते हैं ना वो टीम वाले गेम को कम मिलते हैं, जो सिंगल एथलेटिक्स होते हैं, टेनिस के प्लेयर, जो इंडिविजुअल गेम्स वाले जो लोग होते हैं ना उनको ये अवार्ड ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल गेम्स में बहुत ज्यादा आप अकेले होते हो, मतलब आपको अकेले को करना होता है, टीम तो कई बार क्या होती है कि 11 में से अगर मान लो 4 प्लेयर भी चल गए आपके तो 7 जो है वो नहीं भी चलेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में काफी मशक्कत होती है। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि मैड्रिड ओपन को लेकर है, नडाल को तो एक तो मिली खुशखबरी जो कि वो उनको ये अवार्ड मिला, सेम डे दोस्तों वो हार भी गए मैड्रिड ओपन, तो राफेल नडाल को दोस्तों यहाँ पे ज़ेवरेव ने दोस्तों हराया है, जर्मनी के अलेक्जेंडर प्लेयर है, अलेक्जेंडर नाम है इनका, जर्मनी के, तो मैड्रिड ओपन इन्होंने दोस्तों हरा दिया, और वो भी डायरेक्ट सेट के अंदर हराया है 6-4 के अंदर, इतनी बड़ी बेइज्जती, मतलब बहुत बड़ी बात है नडाल को हराना वैसे, ठीक है गाइस। चलिए मतलब अभी जीता नहीं है वैसे इन्होंने, खैर अभी क्वार्टर फाइनल के अंदर उनको हराया है, समझ गए, अभी जो इनका फाइनल मैच होगा वो डोमिनिक थियम के साथ में होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो दोनों के साथ में जो है वो यूएस ओपन फाइनल भी इन्हीं के बीच में हुआ था,
उसी प्रकार से वापस से इन्हीं के बीच में ये फाइनल है जो कि होने वाला, क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट आए अभी, ठीक है, वुमेन के सेमीफाइनल क्या है, लेकिन इन दोनों के बीच में होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। 15% पॉजिटिविटी रेट दोस्तों 24 स्टेट के अंदर है अभी राइट नाउ, और यहाँ पे कर्नाटक के दिल्ली के ऑक्सीजन को लेकर बात करी गई है, यहाँ पे भी कोरोना को लेकर है। या खान मार्केट के अंदर कल दोस्तों दिल्ली में काफी सारे ऑक्सीजन सिलेंडर का रैकेट है जो कि पकड़ा गया, मतलब यार ह्यूमैनिटी तो मतलब खत्म ही हो गई है, मतलब लोगों को पैसे कमाने की पड़ी और इतनी बड़ा पेंडेमिक है, लोगों ने स्टोरेज करके रखा हुआ है, बताओ मतलब यार ऑक्सीजन की, मतलब एक एक घंटे की ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे करे हुए खान मार्केट के अंदर कई सारे लोगों ने कल। चलिए यहाँ पे पुणे के बारे में है, यहाँ पे दोस्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फ्रंट पेज को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये वाले न्यूज फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अभी बोला था कि वो किसी भी ऑस्ट्रेलियन या दुनिया के किसी भी सिटीजन को ऑस्ट्रेलिया में आना अलाउ नहीं करेंगे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने बैन को हटा रहा है नेक्स्ट वीक, ओके, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, कुछ दिनों के लिए अनाउंसमेंट किया था, तो अभी नेक्स्ट वीक है जो कि इस बैन को हटा रहे हैं, ठीक है गाइज। और बायो सिक्योरिटी के रीजन की वजह से इन्होंने सारे ट्रैवलर्स को इंडिया से जो है वो बैन कर दिया था, ओके गाइज। काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया था, काफी सारे ऑस्ट्रेलियन भी जो है वो इंडिया के अंदर रह गए थे, काफी ज्यादा हल्ला उल्ला है जो कि मचा था, होम क्वारंटाइन होटल क्वारंटाइन है जो कि वहां पे उनको किया जाएगा, ठीक है गाइज। 15 तारीख के बाद में फ्लाइट से जो कि उनके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी, ऑस्ट्रेलियन चार्टर है जो कि 3 बार जो है वहां पे फ्लाई करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे WHO का जो पैनल है उसने अप्रूवल दे दिया इमरजेंसी का कि चाइना की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को, तो WHO ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है जो कि COVID-19 की वैक्सीनेशन है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है चाइना की सिनोफार्म के द्वारा, इसको भी अप्रूवल है दोस्तों जो कि दे दिया है, ठीक है गाइस। तो UN के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर सिनोफार्म को भी अभी इंक्लूड है जो कि कर लिया जाएगा, ओके। और ये पहली चाइनीज वैक्सीन है, वैसे आपको बता दूं मैं, फर्स्ट है ये, ठीक है। तो कोवैक्स प्रोग्राम है जो कि UN ने चलाया है, UN का जो प्रोग्राम है उसका नाम है कोवैक्स प्रोग्राम, ये UN के द्वारा चलाया गया है, जिससे UN क्या है, कई सारे दुनिया के जो गरीब देश है ना, जो पुअर कंट्रीज है, उनकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उस प्रोग्राम के कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर इसको भी इंक्लूड है जो कि कर लिया गया है, ठीक है गाइज, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। WHO के हेड आपको मालूम ही अभी कौन है, टेड्रोस है जो कि WHO के हेड बने हुए हैं, ठीक है गाइज। मार्च का वन लाइनर जो है वो अभी 9 बजे कर लेंगे अपन, मार्च का नहीं अप्रैल का करेंगे यार आज तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों किसको लेकर, बद्रीनाथ धाम को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों कि हमारे यहाँ पे जितने भी जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वहां पे जा सके, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल सके, तो उसी को लेकर दोस्तों जो हमारे ऑयल के PSU हैं जैसे कि IOC, ONGC, गेल बेल और BPCL, HPCL, इन सब ने क्या किया है, 100 करोड़ रुपए दोस्तों कमिट करें रीडेवलपमेंट ऑफ बद्रीनाथ धाम को लेकर, समझ गए मेरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है, ओके गाइज। चलिए तो ये सारे की सारी कंपनी आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछेंगे। एक श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके साथ में मिलकर यह MOU है जो कि साइन किया गया है, 100 करोड़ रुपए का कमिटमेंट है जो कि किया गया है, ठीक है गाइस, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों गैवी आपको मालूम है, गैवी क्या है, ग्लोबल अलायंस है, ठीक है, एक ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन को लेकर, तो जिसके अंदर हर्षवर्धन जी भी जिसके अंदर मेंबर है, तो गैवी एक ग्लोबल अलायंस ने दोस्तों बोला है कि इंडिया को 19 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक की 25 करोड़ वैक्सीन है, ओके, जो कि फुल्ली सब्सिडाइज डोज है जो कि इंडिया को मिलेंगे, और साथ में $30 मिलियन, एक तो 25 करोड़ तो आपकी वैक्सीन हो गई और साथ में $30 मिलियन दोस्तों, ये पैसा भी जो है अर्जेंट टेक्निकल असिस्टेंस और कोल्ड चेन इक्विपमेंट के लिए दिया जा रहा है, समझ गए। तो कोवैक्स बोर्ड जो है जो गैवी स्पोक पर्सन है उनके द्वारा यह बात है जो कि बोली गई है, PPP पार्टनरशिप के तहत दोस्तों ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। गैवी को पहले ग्लोबल अलायंस भी कहते हैं, वैसे जैसे UN का प्रोग्राम है ना कोवैक्स, उसी प्रकार से ये भी है। इसी के अलावा साथ में दोस्तों एक और कंपनी है बायोलॉजिकल ईविल, ओके, वो अपने थर्ड ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर रही है और 7 से 8 करोड़ वैक्सीन है जो कि अगस्त तक ये भी अवेलेबल करवा देगी, ये भी 8 करोड़ तक की वैक्सीन। तो आने वाले 3 महीने हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल के हैं, लेकिन 3 महीने तक के जब 2-3 महीने निकल जाएंगे ना तब हमारे यहाँ पे बहुत सारी वैक्सीन आ जाएगी। आप देख रहे हो ना 25 से 30 करोड़ तो गैवी दे रहा है, 8 करोड़ ये बना रहे हैं,
फिर आपको 12 करोड़ का कमिटमेंट आपके सीरम ने भी किया है, भारत बायोटेक भी बनाएगा 2-4 करोड़, ओके, और अमेरिका से भी आ रही है, तो 2-3 महीने के बाद में तो काफी सारी वैक्सीन आ जाएगी मतलब। लेकिन अभी ज्यादा जरूरी है कि अभी वाला जो टाइम है, जो अभी 1-2 महीने वाला टाइम है, इसके अंदर आप थोड़ा ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, लोगों को मोटिवेट करो, अच्छी चीजों को शेयर करो ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। साथ में एक बार वीडियो को भी शेयर कर दो भाई, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो, अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर, तो आपको मालूम है दोस्तों कि रेन्यूएबल एनर्जी का ही जमाना आने वाला है, रेन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग अभी इतना ज्यादा रेन्यूएबल एनर्जी काम में नहीं लेते, और रेन्यूएबल एनर्जी को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र ने 500 मेगावाट का सोलर पावर के लिए दोस्तों बिट्स है जो कि इनवाइट है जो कि करी है, ओके। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लोएस्ट बिडर के साथ में क्या करेगी, साइन करेगी, जो कि वहां पे सोलर एनर्जी बनाएगा 500 मेगावाट का, समझ गए मेरी बात, ठीक है गाइस। और आपको मालूम है भारत ने टारगेट बनाया है 2030 तक का 450 गीगावाट का रेन्यूएबल एनर्जी का दोस्तों हमने टारगेट है जो कि बनाया है। रेन्यूएबल एनर्जी में मैक्सिमम शेयर सोलर का ही है, सोलर के अंदर हमने पिछले 5-7 सालों में काफी काम किया है, ठीक है गाइस। और आप देख सकते हैं NTPC ने 2000 मेगावाट का लगाया, 2.5 रुपए पर यूनिट तक की कॉस्ट है जो कि सोलर की पहुंच चुकी है, समझ रहे हो, मतलब काफी कम हो चुकी है आज के टाइम पे, और ये बहुत अच्छी बात है। पहले आज से कई सालों पहले की अगर मैं बात करूं, अब 8-10 साल पहले मतलब 10-10 रुपए था सोलर की एक यूनिट का कॉस्ट, अभी देखो गिर के 2 रुपए तक पहुंच गया। देखो ये राजस्थान में तो 2 रुपए के हिसाब से बन रहा है, बिट मारी है, ये देखो गुजरात में 1.99, 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कैपेसिटी मेगावाट की आप देख सकते हैं NHPC ने बनाया है और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने कई जगह पे कैपेसिटी से लगाया है, ओके गाइज। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया में बात करूं, तो अभी अगर मैं बात करूं हमारी जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, उसका 8-9% ये जो कि हम लोग सोलर में काम में ले रहे हैं। सोलर कैपेसिटी हमने काफी इंप्रोवाइज करी है, देखिए 2010 से 2020 तक हम लोग काफी जो है आगे बढ़ गए हैं, वैसे मेगावाट के अंदर आप देख सकते हैं 34,000 मेगावाट तक हमने पहुंचा दिए इंस्टॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल के तौर पे। जिसमें से अगर मैं बात करूं राइट नाउ सबसे बड़ा जो सोलर प्रोजेक्ट है, ओके, वो वैसे मध्य प्रदेश में आने वाला है, प्रेजेंट के अंदर जो है वो आपके राजस्थान में जो है ये भी बहुत बड़ा है ना, बाडला में। और फ्लोटिंग की बात करें, फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना में आ रहा है सबसे बड़ा वाला, ठीक है। और MP के अंदर मैंने आपको बता दिया एशिया का सबसे बड़ा जो है वो आने वाला है, ओके। विंड और सोलर दोनों का कंबाइन दोस्तों एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कच्छ में आने वाला है, कच्छ के अंदर गुजरात में बनाया जा रहा है, जो कि सिंगापुर के साइज का है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे ही है, 30 किलोमीटर अंदर ही है वो, सिंगापुर जितना बड़ा है ना उतने बड़े एरिया के अंदर उस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, सोलर और विंड प्रोजेक्ट का वो दोनों कॉम्बिनेशन है, समझ गए। तो सोलर विंड का गुजरात हो गया, फ्लोटिंग वाला तेलंगाना हो गया, नॉर्मल वाला MP हो गया, और प्रेजेंट के अंदर राजस्थान वाला काफी बड़ा ही है। इंडिया के अंदर सोलर के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो राज्य है आपका कर्नाटक, समझ गए। राजस्थान वाला भी देख सकते हो, बाडला वाला भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, 2245 मेगावाट का प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा, ये पावागोड़ा कर्नाटक में, उन्नाल, ठीक है, ये रेवा के अंदर भी है 750 का मध्य प्रदेश में, और अभी जो बन रहा है वो MP के अंदर बन रहा है वैसे सबसे बड़ा वाला, ठीक है गाइस, ठीक है। ये देखिए जो भाडला वाला राजस्थान का है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पार्क है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, और पावागढ़ वाला जो है कर्नाटक वाला सेकंड बिगेस्ट सोलर पार्क है वर्ल्ड में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जापान को लेकर, दोस्तों थर्ड वेव की बात में जापान के अंदर फोर्थ वेव है दोस्तों, उसकी चिंता है जो कि जापान को सता रही है। 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, उसको 21 में कर दिया गया, अब 21 में भी दोस्तों होने के आसार नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों काफी लोगों ने मना कर दिया है, लोगों ने बोला है कि स्पोर्ट्स और ये सब जो चीजें हैं वो सेकेंडरी है, पेंडेमिक में लोगों की जाने जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 दिन के अंदर दोस्तों यहाँ पे नियर बाय 2.5 लाख लोगों ने पेटिशन साइन कर दी है, जिसमें टोक्यो ओलंपिक को कैंसिल करवाने के लिए बोला है। अब कैंसिल होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ वेव है दोस्तों जो कि यहाँ पे आने वाली है, और जिससे उनके मेडिकल सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा। दुनिया के कई सारे स्पोर्ट्समैन आएंगे, बहुत लोग आएंगे, तो उनका ध्यान रखना, वहाँ की जनता का ध्यान रखना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों काफी जो है ओपिनियन पोल है जो कि यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें जनसत्ता की, तो दोस्तों यहाँ पे शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा सख्ती पर नहीं करें मजबूर, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
आपको मालूम है दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसको बंद करवाने के लिए कई सारे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली हाईकोर्ट जाओ, ठीक है, वहां पे आपकी पिटीशन सुनी जाएगी। ठीक है, ये देखिए भाई, पेट्रोल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में 102 रुपए पर लीटर है, जो कि पहुंच गया है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन थे ना, तो पेट्रोल नहीं बढ़ा एक महीने से। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस वापस से बढ़ने लग गए। डीजल बेचारा दोस्तों, जो कि सस्ते होने के नाम पे जाना जाता था, आज 90 रुपए पहुंच चुका है। और पेट्रोल की तो क्या ही बात करें, जहां पे देश को दोस्तों 75 साल लग गए थे 75 रुपए पेट्रोल पहुंचाने में, वहां पे हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे दिन दिखाए और 25 रुपए दोस्तों, ठीक है। मोदी जी ने क्या किया, 6 साल के अंदर ही दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ पे 25 रुपए की बढ़ोतरी दिखा दी। बहुत बढ़िया, अच्छे दिन दिखाए। तो क्या ये बोले, मतलब 100 रुपए तो सपना ही था, मतलब एक बार की कभी ऐसा हो भी सकता है क्या कि 100 रुपए पेट्रोल होगा, मतलब कर ही दिया आखिरकार कार्यक्रम मतलब सेट। तो इलेक्शन के टाइम पे एक पैसे का भी जो है ना, इलेक्शन जब चल रहे थे पूरे महीने, एक पैसा भी जो है वो पेट्रोल में नहीं बढ़ा। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, रिजल्ट आ गए, वापस से डेली के डेली जो है 20 पैसा 100 50 पैसा 1 रुपया जो है वो बढ़ना चालू हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक युवराज सिंह को दोस्तों सम्मानित है, जो कि किया गया है। देखिए, आपको मालूम होगा दोस्तों, यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, पीस कीपिंग मिशन है, उसके तहत हमारे कई सारे जवान है जो कि जाते हैं। और अभी रिसेंटली यूएन ने क्या किया है, 300 से अधिक कर्मियों को सम्मानित किया है। एक साल में जान गंवाने वाले संयुक्त राष्ट्र के सर्वाधिक कर्मी दोस्तों लास्ट ईयर है, जो कि देखे गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों हमारे भी एक जवान जो कि ऑन ड्यूटी के ऊपर रहते हुए उन्होंने दोस्तों कोविड-19 और उसकी संबंधित परिस्थितियों में काम करते हुए जो है अपनी जान गंवाई, और जिनका नाम है अपने युवराज सिंह जी। ओके गाइज, तो युवराज सिंह जी को दोस्तों यहाँ पे सम्मानित है, जो कि किया गया है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। ओके, अगर मैं यूएन की पीस कीपिंग की बात करूं दोस्तों, तो इसको 1948 के अंदर है, जो कि क्रिएट किया गया था। इसको हम लोग ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लू हेलमेट ये लोग दोस्तों पहनते हैं। पर्पस क्या है कि किसी भी दुनिया के कोने में सिक्योरिटी, पॉलिटिकल पीस बिल्डिंग में सपोर्ट करना, उस कंट्री में जहां पे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है जो कि देखने को मिलते हैं, उस जगह को पीस में तब्दील करने का काम होता है। समझ गए, प्रिंसिपल ये इम्पार्शियलिटी, नो यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस, ओके, एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। तो बहुत कम जो है ये लास्ट में आके जो है वेपन को यूज करते हैं। हर एक यूएन का जो पीस कीपिंग मिशन होता है, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ऑथराइज होता है, और कई सारे मेंबर कंट्रीज है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं पीस कीपिंग फोर्सेज में वॉलंटरी बेसिस के ऊपर। दुनिया में जिसके पास पैसा है वो पैसे देता है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो अपनी सेना के जवान देता है। ओके, इसीलिए दोस्तों जापान अमेरिका सेना के जवान तो कम देते हैं, लेकिन पैसा बहुत सारा डोनेट करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये पैसा नहीं देते, पैसा है भी नहीं, इसलिए हम लोग हमारे जवान हैं जो कि इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो फाइनेंशियल सोर्सेज यूएस के पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि इसके मेंबर स्टेट्स के होते हैं। हम लोग भी पैसा देते हैं, लेकिन बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग हमारे देश की बात करें तो आप देख सकते हैं 5400 के आसपास जवान है दोस्तों, जो कि 8 देशों के अंदर, मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज है। 5,500 हमारे जवान है जो कि यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ओके, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है फिलहाल। और बजट के अंदर हम लोग देखिए, है ना, इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रेगुलर बजट में तो 0.83% होता है, और पीस कीपिंग के बजट में 0.16% है जो कि होता है। ओके, अदर कंट्रीज की बात करें तो 27% तक दोस्तों यूएस है, ओके, जिसने कभी भी अपने जवान नहीं दिए, लेकिन 27% पैसा है जो कि वो देता है। चाइना अपने 2,500 जवान है जो कि दे रहा है, और 12% के आसपास बजट में, और पीस कीपिंग के अंदर 15% के आसपास अपना पैसा है जो कि देता है। ठीक है गाइस, चलिए तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी तो लास्ट ईयर तो 6,500 के आसपास जवान है जो कि हो चुके हैं, है ना, और 5वें से 4थे नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं अगर मैं 2020 की बात करूं तो। ओके, नियर बाय 2,00,000 से भी ज्यादा दोस्तों हमारे जवान है, जो कि आज तक 49 कंट्रीज में 71 पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट है जो कि कर चुके हैं। इनफैक्ट दोस्तों हमारी महिलाएं भी जो है, हमारी जो पुलिस की जो हमारे महिला कर्मचारी है, उन्होंने भी दोस्तों यूएन की पीस कीपिंग मिशन में कंट्रीब्यूट किया है। 2007 के अंदर पहली बार किसी कंट्री ने ऑल वुमेन कंटिजेंट है जो कि भेजा था, और वो हमारे देश का था। ओके गाइज, आगे बात करते हैं, वॉट इज DDoS अटैक। अभी रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ है कि बेल्जियम की गवर्नमेंट के ऐसे कई सारे साइट्स है जो कि जिनके द्वारा कंट्रोल करी जाती है, जैसे कि पुलिस के हो गए, है ना, और भी बहुत सारी है, उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ।
तो बेल्जियन, ओके गाइज, हाल ही में देख सकते हो आप बेल्जियन गवर्नमेंट ने कि जो साइट है वो दोस्तों सारी की सारी ओके ऑफलाइन हो गई बिकॉज ऑफ द DDoS अटैक की वजह से। कई सारी गवर्नमेंट की साइट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है पब्लिक सेक्टर के दोस्तों, उनको इसके द्वारा हिट है जो कि मिला है। DDoS का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो सर्विस उनको मिल रही थी ना वो सर्विस उनको मिलना बंद हो गई क्योंकि इसने यहाँ पे अटैक किया है। ये साइबर थ्रेट है दोस्तों जो कि डिस्टर्ब कर देता है आपके नॉर्मल ट्रैफिक को और वहां पे ट्रैफिक जाम है जो कि लगा देता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि किसी को रोड के ऊपर गाड़ी चलाने नहीं आती है और वो बीच में कहीं फंसा देता है और उसके पीछे जो है बहुत बड़ी लाइन है जो कि लग जाती है, समझ गए। तो ये वायरस भी यही काम करता है, ये एक तरीके से ट्रैफिक जाम है जो कि लगाने का काम करता है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जाम है जो कि लगा देता है। ओके गाइज, तो ये क्या करता है कि जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं ना ओके आपके उस ऑपरेशन के ऊपर, उनको ये जाम कर देता है। सबसे पहले एक मालवेयर है जो कि भेजता है उन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर को, अदर डिवाइसेस को। जब ये इन्फेक्ट हो जाते हैं तो इनको हम लोग बोट कहते हैं और ये ग्रुप ऑफ बोट को हम लोग बोट नेट है जो कि कहते हैं। तो ये बोट नेट का स्ट्रक्चर जो कि पहले क्रिएट किया जाता है और उसके बाद में इसको ऊपर अटैक किया जाता है, समझ गए। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। और बेल्जियम के अंदर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी पुलिस की सर्विसेज, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, वेबसाइट, रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे के सारे दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक हो गए, समझ गए। ठीक है, चलिए ठीक है। इसको पता करने का तरीका यही, जब ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट खराब हो जाए, सिंगल पेज से बहुत सारे रिक्वेस्ट आने लग जाए, ओके ट्रैफिक पैटर्न जो है वो बहुत ही खराब हो जाए, तब ये पता लगता है। ये बेल्जियम है, पास में इसके जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं। ओके, ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है, फ्रांस यहाँ पे लैंग्वेज चलती है और ग्रैंड पैलेस यहाँ पे बहुत फेमस है। बेल्जियम की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट पीरियड विदाउट ए गवर्नमेंट, बेल्जियम विदाउट गवर्नमेंट ही बहुत टाइम तक चला है। ओके, इनके बियर जो है दोस्तों उनके स्पेशल ग्लासेस के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट चॉकलेट एक्सपोर्ट भी दोस्तों ये करता है आफ्टर जर्मनी। प्रोडक्ट अफ्रीका से कोकोआ जाता है और मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी और ये सब जो है चॉकलेट का बहुत ज़्यादा करते हैं। नीदरलैंड से इसको इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद में इन्होंने डच वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि है यूरोपियन यूनियन को लेकर। यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों अप्रूव कर दिया है US का पार्टिसिपेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, किसके अंदर, पेस्को के अंदर। पेस्को क्या है दोस्तों, जैसे कि नाटो है ना उसी तरीके से एक पेस्को भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली अप्रूवल दे दिया है, किसका, ओके अप्रूवल दिया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ नॉर्वे, कनाडा एंड US टू पार्टिसिपेट इन परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन डिफेंस इनिशिएटिव। तो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली नॉर्वे को, कनाडा को और US को अलाउ कर दिया है कि वो इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट है जो कि कर सकते हैं। ये भी एक डिफेंस इनिशिएटिव है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यूरोपियन ब्लॉक ने दोस्तों वरना किसी और को जो है वो अलाव है जो कि किया है। ठीक है गाइस, तो ये भी एक तरीके से मिलिट्री अलायंस है इनका, यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी को लेकर एक अलायंस है जो कि ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ट्रीटी ऑफ लिस्बन के द्वारा 2009 में किया गया था, समझ गए मेरी बात। ठीक है, इसके कई सारे कंट्रीज ऑलरेडी नाटो के भी मेंबर है वैसे। ओके, तो US ने बोला था जो पेस्को सेवरल टाइम इसके कंसर्न को लेकर बोला है। ओके ठीक है गाइज, और US ने 1 बिलियन यूरो के वेपन जो है यूरोपियन यूनियन के कंट्री को भी हर साल है जो कि बेचता है। ठीक है गाइज, तो उसी को लेकर उनकी आपस में बातचीत हुई है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 कंट्रीज है दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज है मेजरली। 1993 के अंदर इनका फॉर्मेशन हुआ था, 3 यहाँ पे मेजर ट्रीटीज हुई है इनकी, एम्स्टरडम के अंदर, नाइस में, लिस्बन के अंदर, ओके मैस्ट्रिश ट्रीटी हुई थी। ठीक है गाइज, तो उसके द्वारा इनका फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। उसके अलावा आप देख सकते हैं 27 कंट्रीज है, UK ने दोस्तों छोड़ दिया है लास्ट। अभी इसके जो करंट है यूरोपियन की पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन यूनियन की इनकी खुद का इनका खुद का क्या बोलते हैं कोर्ट भी है, पार्लियामेंट है, काउंसिल है, मेंबर्स है, इनके इलेक्शन भी होते हैं, है ना। तो यूरोपियन यूनियन का अपना ही एक तरीके से गवर्नमेंट है जो कि ये बनाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 24 यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्रोएशिया ने दोस्तों लास्ट है जो कि इसको ज्वाइन किया था। ये सारे के सारे EU मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं मेजरली सारे ही हैं, समझ गए। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात ये, जो कि 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है ना, इसमें से दोस्तों 22 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि शेंजन एरिया के भी मेंबर हैं।
अभी शेंगन एरिया क्या होता है? शेंगन एरिया वो एरिया होता है यूरोप में जहां पे आप एक वीजा लेके 26 कंट्री को घूम सकते हो, समझ गए? शेंगन एरिया में टोटल कितने कंट्रीज हैं? 26 कंट्रीज हैं इसके अंदर। एक वीजा ले लो आप सभी 26 कंट्री में घूम सकते हो। एक इन्होंने क्या किया हुआ है, शेंगन एरिया बना रखा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंटरनल बॉर्डर में इजीली जो है एक से दूसरे देश में जा सकते हो। जैसे कि अगर आपको मान लो इटली जाना है तो आप इटली से ऑस्ट्रिया चले जाओ, वहां से आप क्या बोलते हैं चेक रिपब्लिक चले जाओ, वहां से आप बेल्जियम चले जाओ, नीदरलैंड चले जाओ, तो एक ही वीजा के अंदर आप जो है आराम से बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जो पकड़ना है पकड़ो, आप गाड़ी लेके चले जाओ एक से दूसरे देश में, कोई नहीं रोकेगा आपको, समझ गए? तो उन्होंने अपने बिजनेस को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक शेंगेन एरिया है जो कि बनाया था। तो इसमें 26 कंट्रीज है जिसमें से 22 तो आपके यूरोपियन यूनियन के हैं। ओके, ऐसे 5 कंट्रीज जो इसमें नहीं है वो कौन कौन से है? बुल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, रोमानिया, ठीक है, ऐसे 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, ठीक है गाइज। और हाँ, 4 तो ये हो गए, बुल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, रोमानिया, और एक है आपका आयरलैंड। ये 5 कंट्रीज ऐसे हैं मतलब जो कि है तो ईयू के मेंबर लेकिन इन्होंने शेंगेन एरिया में पार्टिसिपेशन नहीं कर रखा, समझ गए? और 4 ऐसे कंट्रीज जो कि ईयू के मेंबर नहीं है लेकिन शेंगेन के मेंबर है, उनका नाम क्या है? आइसलैंड, लिस्टेनटाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन ये शेंगेन एरिया के ये मेंबर है, समझ गए मेरी बात? लेकिन ये ईयू के मेंबर नहीं है, ठीक है गाइज, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ओके, पेपर में पूछते हैं इसके बारे में, पता होना चाहिए, मैंने आपको सिंपल बता दिया ना। अरे मुझे मालूम है दिख नहीं रहा होगा आपको, 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के जिसमें से 22 कंट्रीज है जो कि शेंगेन एरिया के मेंबर्स हैं, समझ गए मेरी बात? 5 कंट्री जो कि मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन के, जहां पे आप सिंगल वीजा से काम नहीं चला सकते, वो कौन कौन से? क्रोएशिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, रोमानिया और एक आपका ये है आपका आयरलैंड। ये 5 कंट्रीज है जो कि नहीं है, समझ गए? तो 22 तो आ गए यूरोपियन यूनियन से, अब 4 कंट्रीज और चाहिए 26 के लिए, तो 4 कंट्री कौन से बचते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन उन्होंने इसको वाले एग्रीमेंट को साइन कर रखा है? नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है लेकिन यहां पे आप जा सकते हो शेंगेन से, स्विट्जरलैंड जा सकते हो आप एक ही वीजा से, और आइसलैंड जा सकते हो, है ना, लिस्टनटाइन जा सकते हो, तो ये 4 कंट्रीज में आप जा सकते हो, ठीक है गाइज। अरे थोड़ा सा मुश्किल है मुझे मालूम है लेकिन समझ जाओगे, ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, 27 कंट्रीज, यार 2 बार रिपीट कर दिया, इसमें से 22 हो गए आपके शेंगेन एरिया के और नॉन ईयू वाले जो कंट्रीज हैं वो 5 है, वो 4 कंट्रीज है, ठीक है, बस इतना देख लो, ठीक है। आगे बात करते हैं जो कि एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ। तो आप अमेरिका क्या करता है दोस्तों, ऐसे लोगों को बहुत ही रिकग्नाइज करता है, उनको अप्रिशिएट करता है जो कि अमेरिका के नहीं थे लेकिन अमेरिका के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। आपको मालूम है जिसमें दोस्तों हमारे लोग भी बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अमेरिका के डेवलपमेंट के अंदर। ओके, सुंदर पिचाई से लेकर आप देख ही रहो ना, सत्यन अडेला, बहुत सारे इंडियन ओरिजन के हैं, ठीक है गाइस। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया एशियन अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ। तो उन्होंने दोस्तों रिकग्नाइज किया उन लोगों को जिनको उन्होंने नासा के अंदर बहुत ज्यादा अमेरिकन कल्चर हिस्ट्री अचीवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है। तो मे मंथ को दोस्तों उनके मंथ के तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है। ओके गाइस, फर्स्ट टाइम जापानीज इमिग्रेंट भी जो है वो अमेरिका में आए थे, उनको भी एक्सेप्ट किया गया था। अमेरिका की अच्छी बात यह है कि वो इमिग्रेंट्स को बहुत एक्सेप्ट करता है, अमेरिका की अच्छी बात यह है कि वो इमिग्रेंट्स को लेकर बहुत ओपन है और एक्सेप्ट करता है उनको अपने देश में रहकर काम करने को लेकर। ओके, तो 2021 के अंदर अमेरिका नासा ने जो है ऑर्गेनाइज किए कई सारे इवेंट और थीम इसकी ये रखी गई है लेकिन थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, पैसिफिक आइलैंडर वो कंट्रीज है जहाँ पे पैसिफिक ओशन के आसपास के जो कंट्रीज है जिन्होंने अमेरिका में जाके जो है वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है गाइस, जिसके अंदर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशियन कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। कौन से है ये देखिए, माइक्रोनेशिया में कैरोलिन आइलैंड,
किरीबाती, मार्शल आइलैंड, इसको माइक्रोनेशिया बोलते हैं, मतलब पैसिफिक का ओशन का जो नॉर्दर्न कंट्री वाला पार्ट है उसको माइक्रोनेशिया। उसके जस्ट नीचे वाला जो है ना, गीनिया, सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज, फिजी, ये सारे मेलेनेशिया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले। उसी के बाजू में दोनों के पॉलिनेशिया आते हैं, जिसमें हवाई आता है आपका, है ना, कुक आइलैंड है। ओके, और कौन सा फेमस है, न्यूजीलैंड है, ये सारे आपके पॉलिनेशिया में आते हैं। तो ये सारे इन्होंने जो अमेरिका के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अमेरिका के अंदर, उसको लेकर दोस्तों इन्होंने मई को रिकग्नाइज करते हैं। ये देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि है कोविड 19 के 15 बिहेवियर प्रैक्टिसेस को लेकर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने दोस्तों एक गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें 15 बिहेवियर प्रैक्टिसेस दोस्तों इश्यू करें। ये सारे के सारे पढ़ लेना भाई, आपके काम के ही है, पीडीएफ ले लेना। करंट अफेयर बाय भुवनेश्वर करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा 63,000 का, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है गाइज। इसके अलावा अगर आपने स्माइल फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, स्माइल फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। ओके, एक स्माइल फॉर ऑल बिहार नाम से भी है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो स्माइल फॉर ऑल बिहार वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, 15 प्रैक्टिसेस है, 2 गज की दूरी बनाकर रखो, सैनिटाइज करो, बेसिक बात है जो आपको पता है, वैसे तो खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को लेकर, जिन्होंने फ्री ट्रीटमेंट दोस्तों पुअर लोगों के लिए अनाउंसमेंट है जो कि करी है। जो भी मिडिल क्लास पुअर लोग है ना, उनको फ्री ट्रीटमेंट है जो कि कोविड का अनाउंस है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों किया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, ठीक है गाइज। आयुष्मान भारत योजना के जो भी लोग है ना, उनके अंडर में दोस्तों ये किया जा रहा है, ठीक है गाइज, ठीक है। अभी जो है स्लिप ऑफ टंग हो गया था शिवराज सिंह चौहान जी का, सुना था क्या कि हम लोग जो है हमें मतलब नहीं है, हमें इलेक्शन से मतलब है, ऐसा बोल गए थे, स्लिप ऑफ टंग। चलिए आगे बात करते हैं, तो ठीक है ये सब तो बहुत ही सिंपल बातें, खैर ये देखिए गरीबों को मिलेगा कोरोना का निःशुल्क इलाज, ठीक है। तो आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों को विशेष पैकेज है जो कि दिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश है दोस्तों पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं भोपाल कैपिटल, इंदौर सबसे बड़ी सिटी है, सबसे साफ भी है इंडिया की, मालवा बुंदेलखंड बैगलखंड ये सब आपके रीजन है, और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। 230 विधानसभा, लोकसभा की 29, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके अलावा सेक्स रेशो 931, 70% लिटरेसी रेट, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है यहाँ पे, और मैमल बारासिंगा, बर्ड इंडियन पैराडाइज, फ्लाई कैचर, महसीर यहाँ पे फिश है, वाइट लिली फ्लावर, मैंगो फ्रूट है, ट्री यहाँ पे बैन एंट्री है। ओके, आज के दिन की इतिहास की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मॉस्को ने अनाउंस किया था 1984 में कि USSR विल नॉट टेक पार्ट इन 1984 ओलंपिक्स इन लॉस एंजलिस। एक्चुअली में क्या हुआ था कि इससे पहले अमेरिका ने मॉस्को में ओलंपिक्स में आने के लिए मना कर दिया, तो अगली बार 1984 में आज के दिन पे दोस्तों मॉस्को ने भी बोल दिया कि हम क्यूबा, अफगानिस्तान, बुल्गेरिया, इथोपिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, वियतनाम, इन सारे कम्युनिस्ट कंट्री ने भी दोस्तों बायकॉट कर दिया था यूएस का ओलंपिक्स। इसके अलावा 1978 के अंदर रेनहोल्ड और पीटर ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया पहली बार विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई। इटालियन और ऑस्ट्रियन माउंटेनियर थे दोस्तों, इम्पॉसिबल माना जाता है विदाउट ऑक्सीजन के क्लाइम करना, वो इन्होंने कर दिया था। बीटल्स ने अपना लास्ट एल्बम है जो कि 1970 में रिलीज किया, 1960 का दोस्तों बैंड है, बहुत ही जबरदस्त पुराना। ओके, इंडियन में इनकी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन थी। 1927 के अंदर व्हाइट बर्ड एक दोस्तों एक प्लेन था जो कि मिस्टीरियसली गायब हो गया था। 1886 के अंदर कोको कोला का इन्वेंशन आज ही हुआ था। कोको कोला ने दोस्तों 1886 के अंदर पहली बार जब बेचना चालू किया था तो एक साल के अंदर सिर्फ 25 बॉटल भी वो नहीं बेच पाया था। एक्चुअली में उस टाइम पे क्या होता था कि कोको कोला जो है ना वो कप में आपके ग्लासेस में बिकती थी, समझ गए, ग्लासेस में। तो अगर आप ग्लासेस को पूरी कंटेंट को बॉटल में डालोगे ना तो पहले साल में 25 बॉटल भी नहीं बेच पाया था, मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात है, और आज के टाइम पे कोको कोला कितनी बड़ी कंपनी है। ओके, करोड़ों बॉटल है जो कि एक दिन के अंदर कंजप्शन है जो कि आज के टाइम पे होता है। तो जॉन करके एक पर्सन थे अटलांटा के फार्मेस्ट, उन्होंने एक सिरप बनाया था ब्रास के पॉट के अंदर, ओके, और उसको पेटेंट करवाया मेडिसिन के तौर पे, और बाद में दोस्तों इसको वर्ल्ड की मेडिसिन के तौर पे पेटेंट करवाया था इसको, और आज दुनिया की सबसे पॉपुलर दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक मानी जाती है, समझ गए, और वो पेटेंट आज भी उसको ट्रेड सीक्रेट के तौर पे स्टोर किया हुआ है।
आगे बात करते हैं दोस्तों हमारी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी को लेकर। देखो तक्षशिला और आपने नालंदा के बारे में सुना होगा। तक्षशिला की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। तक्षशिला के लिए बोलते हैं कि 10,000 BC में इसका फॉर्मेशन हुआ था, है ना। हमारे चाणक्य वाणक्य वहां पे टीचर हुआ करते थे। और ये 5,000 ये मेरे ख्याल से 500 BC के टाइम पे 500 AD के टाइम पे ये एंड हो गई थी है पाकिस्तान के अंदर। उसी प्रकार से नालंदा की बात करें, हमारी बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, ये बनी थी आपके दोस्तों 500 BC के टाइम पे और ये 500 AD के टाइम पे। और 1200 AD के अंदर बख्तियार काकी के द्वारा इसको डिस्ट्रक्ट इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। कुमार गुप्त के द्वारा बनाई गई थी, आपको मालूम है नालंदा, तो है ना 500 AD के अंदर। लेकिन ये 12वीं सेंचुरी में ये खत्म हो गई थी, अभी वापस से स्टार्ट करी गई थी। अमृत सेन डायरेक्टर भी बनाए गए थे, लेकिन ये एंड हो गई थी। लेकिन दुनिया में दोस्तों ऐसी यूनिवर्सिटी जो शुरुआत से लेकर आज तक चली जा रही है, मतलब नियर बाय 1200 साल से ये यूनिवर्सिटी एक्टिव है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ करुवेन। ओके, दुनिया का सबसे पुराना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि इसको माना जाता है। मोरक्को के अंदर है दोस्तों ये, और इसको 1859 AD के अंदर है दोस्तों जो कि स्टार्ट किया गया था। तो 1000 साल से भी पुरानी दोस्तों ये यूनिवर्सिटी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम है ओल्डेस्ट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन के अंदर। ओके गाइज, तो आप अभी भी यहाँ पे हर साल 8,000 बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं मोरक्को के अंदर, ठीक है। और हमारे तक्षशिला में उस जमाने में भी दोस्तों 20,000 बच्चे पूरी दुनिया के आया करते थे पढ़ने के लिए, सोचिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है गाइज, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप पॉजिटिव जो है रहोगे इस कोरोना टाइम पे और लोगों को भी पॉजिटिव करोगे, अगर आपको पॉजिटिव कोविड से नहीं विचारों से, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप BHU 10 या BHU 10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके गाइज, आप अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन बैच में, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्लास आपको GK की मिलेगी और आपको SSC के अंदर मिलेगी, मात्र 450 रुपये पर मंथ में, एक साल का लेने पे 2 महीने का फ्री मिलेगा। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो BHU 10 के साथ में, चाहे IIT का एग्जाम दे रहे हो, नीट हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई PCS हो, कोई गेट का एग्जाम हो, कोई सभी सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस आपको मिल जाएगी। ये SSC की कैटेगरी है जिसमें आपको सारे टीचर की क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है गाइज, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, यह भी आप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। आपको अनअकैडमी आप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डाल लें, आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है, SSC है, IIT है, UPSC है, जो भी है, फिर प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में, फिर 12 मंथ या 24 मंथ में, फिर BHU 10 या BHU 10 आप यहाँ से लगा दीजिए और EMI के माध्यम से आप पे कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए आज का पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है जिसके तहत राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, टॉप 15 बिहेवियर प्रैक्टिस किसके द्वारा इश्यू करा गया है। अमेरिकन पैसिफिक आइलैंडर हेरिटेज मंथ कौन से मंथ को अपनाया गया है, एशियन अमेरिकन। DDoS अटैक दोस्तों क्या है। COVID-19 लोन बैंक कौन सा बैंक है जो कि ओपन कर रहा है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।